ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ ਅੱਜ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫੈਰੀਅਰ ਵਧੀਆ ਫੈਰੀਅਰ ਨੇ ਵੀਰ ਮਨੋਹਰ ਬਾਈ ਘੋੜੇ ਕੋ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 45 ਔਰ 50 ਦਿਨ ਕੇ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 45-50 ਦਿਨ ਕੋ ਬਣਨਾ ਸਹੀ 45-50 और उसके दिन के बीच बीच में बनाना चाहिए 40-50 दिन के अंदर पैर बनने चाहिए सही पूरी लगे सही ना लगे कोई दिक्कत नहीं पैर बनना बहुत जरूरी है ओके और जो घोड़े का कमरा होता है वो आप क्या कहते हो भी कैसा होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए खुला होना चाहिए अंदर कच्चा रेता होना चाहिए पूरा पोल ओके तो तीसरी बात मनोहर भाई अगर किसी के प्रॉब्लम आ जाए ठीक है पैर खराब हो जाए क्या कहते हैं उसे लेमिनेट्स है अगर वो हो जाए तो उसका कोई पक्का ट्रीटमेंट है उसका ये है सर जैसे कि अपने को पता लग गया शुरुआत में हो रहा है लेमिनेट्स हो रहा है जैसे घोड़ी को शुरू में हाँ। अच्छा जी लैम दिखा रही उसके लेमिनेट्स की वजह से उसको एक तो अपन उसका दाना पानी कम कर दो हल्का कर दो वेट कम करने के लिए और एक आइस डाल के पैरों के अंदर बर्फ डाल के ओके बर्फ का सवेरे से हम दो टाइम पक्का बर्फ डालो ओके यही है सबसे ज्यादा मनोहर भाई किस कैसे पता लगेगा किसी को भी अपने घोड़े के पैरों में छाले आ गए हैं जैसे घोड़े चलाएंगे टाइट चलेगी अच्छा और यहाँ पे लेमिनेट अपने आप लेकर आ जाएगी यहाँ पे लाइन बन जाएगी सोम के अंदर से सोल होगा जो ये दिखाना जरा ओके ये चीज है यहाँ से पूरा हार्ड हो जाएगा और जल बिल्कुल ऐसे रहेगा नरम जैसे भी जैसे पिच पिच कर रहा है पीक की तरह बन जाएगा अच्छा पीक की तरह हो जाएगा और पीछे से हील टू आगे से करना से लैंप बन जाएगा अपने आप हो जाएगा वो ओके ये निशानी है और आप कह रहे थे एक पाउडर दे दिया करो वो अच्छी चीज है बायोटीन भाई हुपॉक्स ओके 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 बायोटीन ओके भाई तो मनोहर भाई आपका फोन नंबर कितना है जरा बोल के बता सकते हो 63-65-75-277-477-461 है ये भी मनोहर भाई अभी हो पंजाब में कुछ दिन है अभी पंजाब में है 30 तारीख तक 30 तारीख तक है ठीक है वीर जी कर लो संपर्क भाई ना जे किसी नु लोड हैगी है ठीक है जी बढ़िया नॉलेज है वीर नु थैंक यू भाई